गिरिडीह उत्क्रमित विद्यालय के छात्रों ने शिक्षक प्रतिनियुक्ति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्रों ने गावा सदगावा मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिसको लेकर वहां पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। बता दें आपको कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय के 3 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति गावा मॉडल स्कूल और डुमरी में कर दिया गया है और इसी का छात्र विरोध कर रहे हैं। इधर विरोध को देखते हुए मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी छात्रों को समझाने में जुटे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में बहुत शिक्षक की कमी है। मेरे स्कूल में जैसे मैथ का भी फिलहाल ही टीचर बहाली हो चुका है, इसीलिए मैं उन लोगों की बुलाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमारे स्कूल में कम संसाधन है और टीचर की भी कमी है, और जो भी टीचर थे वो दूसरे स्कूल चले जा रहे हैं, और बेंच डेस्क की भी बहुत कमी है, बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा है। विद्यालय गिरने के जो बच्चे हैं उस शिक्षकों की कमी को लेकर के आंदोलन के मूड में ये लोग सामने रोड पर बैठ गए थे धरने पर, और तब हमने कहा कि ठीक है, हम बियासी से आके आए हुए हैं, जो भी आपका डिमांड्स है वो लिख करके दीजिए, हम आगे इसको हस्तांतरित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और वरीय पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दिए हैं, जल्द ही इसका समस्या का समाधान किया जाए। तो देखिए, छात्रों को समझाने के लिए अधिकारी वहां पर पहुंचे। जो इस तरीके से इस छात्रा ने बताया कि एक तो विद्यालय में कितनी सारी परेशानियां हैं जो छात्रों को झेलनी पड़ती है, और ऐसे में कल शिक्षकों पर ये पूरा विद्यालय चल रहा है, और जो भी शिक्षक वहां पर प्रतिनियुक्त किए गए थे उन्हें अब दूसरे स्कूल में भेजा जा रहा है, और ऐसे में छात्रों में आक्रोश है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ गावा से संवाददाता संदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से छात्रों ने शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति का एक विरोध जताया, और छात्रों ने साफ तौर पर कहा एक तो विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और जो भी शिक्षक वहां पर बहाल किए गए उनकी भी प्रतिनियुक्ति कर दी जा रही है। की घटना है जहां पर पहले से ही 9 और 10 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 शिक्षक नियुक्त थे। शिक्षकों की कमी पहले भी थी, यहाँ बच्चों की संख्या 469 है। ऐसे में 6 शिक्षक पहले से नियुक्त थे, उनमें से 2 शिक्षकों को पहले ही प्रतिनियुक्त किया जा चुका था अन्यत्र, और कल दोबारा 1 शिक्षक को अन्यत्र नियुक्त कर दिया गया, डुमरी भेज दिया गया गांव से। इसी के आक्रोश में आज सुबह जैसे ही विद्यालय पहुंचे, सभी छात्र छात्राओं को जब ये सूचना मिली कि मैथ के टीचर आज नहीं आएंगे, तो वे लोग सभी उग्र हो गए, आक्रोशित होकर वे गांव सदगांव पथ को जाम कर दिया। शिक्षक व पदाधिकारी शिक्षा विभाग के जो थे वो काफी समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों का एक ही मांग था कि अभी नजदीक में एग्जाम है, ऐसे में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अगर अन्यत्र होती है तो उन लोगों की पढ़ाई कैसे होगी। विद्यालय में पठन पाठन के लिए बेंच डेस्क की भी भारी कमी है, एक एक बेंच पर 5-5 छात्र छात्राएं बैठते हैं, जिसके कारण इन समस्याओं को लेकर के उन लोगों का प्रदर्शन हो रहा था। काफी समझाने बुझाने के बाद बीपीओ गंगाधर पांडे, जो गांव के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, वो गए समझा बुझा करके बच्चों को किसी तरह से वापस भेजा और स्कूल में उन लोगों की मांग को सुना। फिर उन्हें आश्वासन मिला कि उनकी मांगे जो जायज है उन्हें बड़ी अधिकारियों को सूचित करते हुए पूरा किया जाएगा, तब छात्राएं माने और जाम को हटा दिया। बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।